हेलो गाइस, दिस इज अपूर्व बसोटिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नया वीडियो, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। तो नवरात्रा ख़त्म हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि नवरात्रा में जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाहर का नहीं खाया जाता है, नो ओनियन, नो गार्लिक, ये सब चलता रहता है। तो जस्ट आज ख़त्म हुए हैं और मैं थोड़ा खाने पीने के लिए निकला हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि हम क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या पीने वाले हैं, क्योंकि यही लाइफ है, खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, आप सबसे पहले हम क्या खाएंगे, आइए। सो ये मेरे घर के बिल्कुल बाजू में ही है मेरी फेवरेट डिश, छोले भटूरे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फूला फूला भटूरा है, आलू छोले ये सब, और ओनियन भी आ चुका है आज, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं गाइज ये। तो अब मैं ये खाने वाला हूँ बहुत ही दिनों बाद, कम से कम 15 दिन तो हो ही गए होंगे। चलिए। सो गाइज, बहुत ही टेस्टी हैं छोले भटूरे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सच बताऊँ तो इसको कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती, वेरी टेस्टी, वेरी। सो गाइज, हमने भटूरा खा लिया था और बहुत ही टेस्टी था, दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं जा रहा हूँ कुछ मीठा खाने के लिए। और ये जो बंदा है, बताओ बेटे कहाँ जा रहे हैं हम? फलूदा खाने जा रहे हैं हम, आगे बहुत फेमस है फलूदा, तो वहाँ लेके जाने हैं। फलूदा खाने जा रहे हैं हम, आगे बहुत फेमस है फलूदा, तो देखते हैं कैसा है इनका फलूदा, आइए टेस्ट करते हैं, चलिए। सो मेरे हाथ में फलूदा आ चुका है और अब मैं फलूदा टेस्ट करने जा रहा हूँ, कैसा है फलूदा देखते हैं। सुनील की फरमाइश पे फलूदा खाया जा रहा है। अच्छा, मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई है फलूदे में, ये जो ऊपर ये जो होती है ये क्या है, ये मैगी है, चाउमीन है, या क्या है? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मुझे अब तक समझ में आया नहीं है, बाद में इनसे पूछ के जाऊँगा आज की है क्या। सो मैं घर पे आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि एक बंदा जो कि हमारी वीडियोस में पहले भी आ चुका है, वो क्या तैयार कर रहे हैं आप? आलू पराठा बना, आलू का पराठा बना रहे हैं, लेकिन हम तो आज बाहर का खा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाहर का खा रहे हैं, तो आप क्या लेकर आएंगे अभी बाहर से? पिज्जा बर्गर चाउमीन ले आएंगे। क्या खाना चाहते हैं परसी आप? आज तेरे मन का खाएंगे, बता। बर्गर खाना चाहूंगा। बर्गर खाना चाहूंगा, चल बर्गर ले आ, हम दोनों बर्गर खाएंगे आप। चलिए गाइस, बर्गर दिखाता हूँ आपको, कौन सी कंपनी का खाता है ये, कहाँ से लाता है, चलिए। सो ये है हमारा बर्गर, कहाँ से लाए हैं? बाजू से, मैकडोनल्ड का नहीं है, इतना झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे साफ दिख रहा है। चलिए आप भी खाइए बर्गर जाके, हम भी बर्गर को एंजॉय करते हैं, ठीक है? चलिए, अपना परशुराम है बहुत मस्त, शायद आप लोगों को परशुराम की स्टोरी नहीं पता है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, बर्गर को देखिए, यम्मी। सो गाइस, बर्गर टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। वेलकम। अब भी हमने बर्गर खाया था थोड़ी देर पहले और बर्गर हो गया बहुत ज्यादा हैवी। देखने में ये छोटे से होते हैं लेकिन ये इतने हैवी होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर, बर्गर तो सभी के फेवरेट हैं, खाते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए, वंस इन अ वाइल सब कुछ चलता है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा जिम, पूरे दिन का जितना भी खाया पिया हुआ है सारा डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वर्कआउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वर्कआउट करके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा मील लेंगे, फिर हम सो जाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे आफ्टर जिम, बाय। जैसे कि मैंने बाहर का बहुत दिनों बाद खाया था तो वर्कआउट भी आज बहुत दिनों बाद ही किया मैंने,
तो जितना भी खाया पिया था सब डाइजेस्ट हो गया और अब हम सैलेड खाने जा रहे हैं, हेल्दी खाने जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छा प्यारा सा सैलेड। सो गाइस, मैं अब इसको एंजॉय करता हूं और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।